जिस दिन तुम्हारा पीसी चेक हो रहा था उस दिन तुम क्यों यूज कर रहे थे भाई? उस दिन स्कारलॉर्ड ने क्या मांग लिया था? जब हमने तुमको बोला कि ये सारी फाइल्स दिखाओ तो तुम दिखाने के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे। या फिर जेफर जेम्स भाई, यार तुमने जो मेरा फोटो लीक करा था एंड लाइक मेरा नंबर लीक करा था एंड उसके बाद मेरे को जो धमकियां दी थी ना तुमने इनडायरेक्टली चैनल उड़वाने की, क्या मतलब भाई जेम्स भाई? या फिर झाटू भाई, तुम चाहते हो कि मैं ये सारी चीजें भी पब्लिकली सबको दिखाऊं कि तुम भाई कितने नीच और कितने गिरे हुए इंसान हो? पता है ना कौन? अच्छा कमल से याद आया। क्या तुझे क्या याद आया कमल से? अबे पढ़े लिखे गूगल पे कमल का पर्यायवाची देख पहले, फिर बात करियो। यहाँ सिर्फ एक ही कमल है, ठीक है? इंडिया में रैप की करी जो बहन, बेटा मुक्का ऐसा मारूंगा जो होगा ना सहन। तेरे बाप की नहीं है ये किराने की शॉप, जाकर गूगल कर और सीख बेटा असली हिप हॉप। तेरे ड्रॉप है ये फ्लॉप, मेरे ड्रॉप बोले टॉप, लोग बजे नॉन स्टॉप। तू है ओल्ड डेस्कटॉप, मैं हूं एप्पल लैपटॉप, तू है फेक लैपटॉप, मैं हूं रियल हिप हॉप। मुझे करता था कॉपी इन गलियों में, तू भी मैंने दिया तेरा साथ क्योंकि तू है चोरी। मुझे मालूम क्या था कि तू साले निकलेगा साफ, माना मुझको था बाप, खूब किया मेल मिलाप। तो और तो भाई लोग कैसे हो यार, स्वागत है आप सभी का एक और प्यारी सी वीडियो में। गाइस देखो आज की वीडियो प्यारी तो नहीं कह सकते लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोगों का जो दिमाग है ना कुछ ऐसा हो जाएगा। हाँ तो भाई लोग जैसा कि तुम लोगों को पता है कि अभी हाल फिलहाल में प्रो नेशन और पीएन रेक्स के बीच में लड़ाई हो गया था। इन शॉर्ट मैं कहूँ तो कंट्रोवर्सी हो गई थी दो बड़े क्रिएटर्स के बीच में एंड दोनों ही साइड से आधे एक एक घंटे की जो थी वेब सीरीज निकाली गई थी। ओ सॉरी वेब सीरीज कहूँ या वीडियो कहूँ, दोनों तो सेम ही बात है वैसे। एंड ये सारी वीडियो डालने के बाद भी मैटर सॉल्व नहीं हुआ था। देन यहाँ पे नॉन स्टॉप गेमिंग हमारे शिवम भाई जो थे लाइव स्ट्रीम करके सारा का सारा मैटर समझाने आए थे एज अ मसीहा बन के, और यहाँ पे दो तीन घंटे की लाइव स्ट्रीम करी। देन उसके बाद रेक्स की भी वीडियो आई, रेक्स की 33 मिनट की या फिर 35 मिनट की कुछ वीडियो आई थी, वो मैंने देखी एंड यहाँ पे मेरे को लगा कि आखिर ये चल क्या रहा है। देन उसके बाद हर्ष भाई यानी कि हमारे प्रोनेशन का लीडर, वो आए लाइव करने अपने मेन चैनल पे एंड वहाँ पे अपनी वीडियो की 2 मिनट के पार्ट को 20 मिनट से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। एंड ये सब के बाद जो था रेक्स और हर्ष दोनों फाइनली बात करते डिस्कॉर्ड पे आके। मैंने पूरी स्ट्रीम तो नहीं देखी तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या हुआ था, बट मेरे यहाँ पे डिस्कॉर्ड के एक मॉड ने आके स्ट्रीम का पार्ट दिया, बोला कि यहाँ से देखो यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ। तो मैंने वहाँ पे देखा कि रेक्स और हर्ष की यहाँ पे बात हुई एंड लाइक सारा का सारा मैटर सॉर्ट आउट कर लिया था वहाँ पे। एंड ये सब के बाद आई गेस सो कि प्रोनेशन और पीएन रेक्स के बीच में जो भी मैटर था वो सारा सॉर्ट हो गया होगा। बट ये सब के वजह से ना हम लोग को एक चीज तो जरूर से देखने को मिल गया, मेरे को ये नहीं यहाँ पे प्रोनेशन और पीएन रेक्स दोनों को एक चीज तो देखने को मिल गया होगा कि बीच में जो फायदा उठाता है ना वो और कोई नहीं है, वो हमारे नॉन स्टॉप यानी कि शिवम भाई है। तुम लोग का सवाल होगा कि आखिर भाई इन्होंने ऐसा क्या कर दिया? तो गाइस देखो मैं तुमको बताता हूँ ऐसा मैं क्यों बोल रहा। देखो जब प्रोनेशन और पीएन रेक्स के बीच में लड़ाई हुई तो रेक्स जो था वो नॉन स्टॉप के पास गया, नॉन स्टॉप का सारा सीन बोला और बोला कि भाई मेरे को तुम्हारे गिल्ड में ले लो शिवम भाई। अब देखो एज अ बिग क्रिएटर उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अगर इनके बीच में लड़ाई हुई है तो इनको दोनों तरफ का पर्सपेक्टिव सुनना चाहिए, दोनों साइड की बातें सुननी चाहिए, फिर जाके कुछ एक्शन लेना चाहिए। बट नहीं, इन्होंने रेक्स की बातें सुनी, मतलब जो भी उसने रोया और जो भी कुछ बोला वो सुनने के बाद सीधा रेक्स को गिल्ड में ले लिया कि हाँ वी विल सपोर्ट यू। एंड हर्ष के बारे में कहीं भी कोई मेंशन नहीं किया गया। और तो भाई लोग इस टॉपिक पे और कुछ बोलने को है नहीं, अब हम बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक यानी कि जेफर झाटू भाई के ऊपर। मुझे करता था कॉपी इन गलियों में, तू भी मैंने दिया तेरा साथ क्योंकि तू है चोरी। मुझे मालूम क्या था कि तू साले निकलेगा साफ, माना मुझको था बाप, खूब किया मेल मिला। खाना पीना सोना उठना बैठना सब एक साथ देता हूँ मैं आज श्वाप हो जाएगा। ब्राह्मण हूँ मैं जैसे सीधा सुदामा, जो बिगड़ा तो रावण और बरसा तो परशुराम। तेरे काम मुझे मालूम है जान, जो मैंने खोल दिया मुंह तो हो जाएगा अनजान, इसलिए मेरी बात मान, जो भी दिया मैंने ज्ञान अपने काम में ध्यान और होता तू महान। हाँ तो भाई लोग जैसा कि तुम लोग को पता है कि अभी प्रोनेशन और पीएन रेक्स की जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बीच में बहुत सारे यूट्यूबर्स आए और बहुत सारी वीडियोस डाल के गए एंड उनमें से एक मैं भी था। और ये सब के बीच में एक भाई हमारे यानी कि जेफर झाटू भाई आके एक वीडियो डालते हैं प्रोनेशन के बारे में, और वीडियो का टाइटल और थंबनेल था प्रोनेशन खत्म। यहाँ पे बस इतना ही होना चाहिए वीडियो में कि प्रोनेशन का जो और पीएन रेक्स का जो कंट्रोवर्सी हुआ उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ या फिर अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। लेकिन नहीं, ये बंदा अपनी बात ही शुरू कर दे रहा है लाइक कि एक बंदा गिल्ड से कैसे किक हुआ था और वो सब तो ठीक है, बट ये बंदा जो इनडायरेक्टली मेरे को पॉइंट करके यहाँ पे मेरे को बोल रहा है कि हाँ भाई मैं दोगला हूँ और मैं रिकॉर्डिंग सेव करता हूँ। मतलब भाई इस बंदे का कहना है कि मैं अगर ये कुछ गलत कर रहा हूँ और मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं गलत हूँ। तो भाई जेम्स भाई या फिर झाटू भाई आप मेरे को क्या एक्सप्लेन करने का कष्ट करोगे कि आपने ये जो शब्द बोले इसका मतलब क्या था? एंड जैसे कि तुम लोग ने सुन लिया कि ये बंदा जो है कितना दूध का धुला है, अब मैं तुम लोग को बताता हूँ यहाँ तक तो ठीक था, बट इसने उसके अगले ही दिन एक और वीडियो डाल दी एंड इस बार इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल था व्हाई आई लीव प्रोनेशन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ पीएन झाटू।
और गाइस इसके वीडियो पे आगे बोलने से पहले तुम लोग को मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ एंड इसकी एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुना दे रहा हूँ। तुम लोग इस स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग को ध्यान से देखना और समझना, ठीक है? और इसको मैं तुम लोग को आगे जाके बताऊंगा कि आखिर मैंने ऐसा क्यों दिखाया है। हाँ तो भाई लोग, इस बंदे की वीडियो स्टार्ट करते ही इसने एक ही चीज बोली कि ये बंदा जो है प्रोनेशन का एक्स मेंबर था, जो कि मैं एग्री करता हूँ उस चीज से। एंड लाइक इसने वापस से प्रोनेशन रीज्वाइन करने के लिए दो दो बार वीडियो डाल के सॉरी भी बोली थी एंड बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इस पर रिएक्ट भी करा, ऐसा इस भाई का कहना था। और भाई जब मैं वीडियो को और आगे देखता गया ना, लिटरली भाई ये बंदा इतना गांडू है यार, सच्ची बता रहा, कोई बंदा कितना नीच हो सकता, कितना गिरा हुआ हो सकता है भाई। लिटरली जो बंदा अब इस दुनिया में नहीं है वो बंदे का ये क्लिप यूज कर रहा है, वो भी अपने आप को डिफेंड करने के लिए। भाई थोड़ी सी तो इज्जत रख ले उसकी, थोड़ी सी तो शर्म कर। अब इसी ने स्टार्ट करी है तो इसको इसी की लैंग्वेज में हम जवाब देंगे। भाई सबसे पहली चीज तो यार, इस बंदे को बिल्कुल भी ना सिंपैथी और सपोर्ट के बीच का अंतर नहीं पता है। भाई ये बंदा अपनी ऑडियंस को इतने अच्छे से मैनिपुलेट कर रहा है ना, मतलब क्या ही बताऊं। मतलब कि ये बंदा ओल्ड क्लिप्स यानी कि स्काईलॉर्ड ने जब इसकी एक रोने धोने वाली वीडियो पे रिएक्ट करा था लाइक उसको थोड़ा सा सिंपैथी देने के लिए, उस टाइम पे उसी क्लिप को यूज करके अभी अपने ऑडियंस को मैनिपुलेट कर रहा है कि हाँ उस टाइम पे स्काईलॉर्ड मेरे साथ में था। अच्छी लंड मेरा। बट गाइज जैसा कि मैंने तुमको इन दी पास्ट बता रखा है कि ये बंदा गलत था एंड कर्मा ऑलवेज पेज ऑफ, तो भाई उसके साथ भी यही हुआ। इवन जो स्काईलॉर्ड तक ने भी इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी थी एंड उस वीडियो में स्काईलॉर्ड ने साफ साफ बोला है कि शायद से इस वीडियो के बाद जो है, यानी कि स्काईलॉर्ड की उस वीडियो के बाद जो है, जेम्स उसका दोस्त नहीं रहेगा क्योंकि उसको पता है कि बायस्ड वो नहीं है एंड वो सच का ही साथ देगा हमेशा। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो इसका ये लग रहा था कि भाई स्काईलॉर्ड इसके सपोर्ट में था, तो ब्रो सो कॉल्ड तुम्हारा जो ये हॉलिसिनेशन था उसको मैंने थोड़ा सा इंटरप्ट कर दिया, सॉरी उसके लिए। बट स्काईलॉर्ड तुम्हारे साथ कभी नहीं था, वो तुम्हारे साथ इसलिए था क्योंकि तुम उसको लाके प्रूफ देते थे एंड अभी तुम जो कह रहे थे ना वीडियो में कि हाँ भाई मैं तो स्काईलॉर्ड को प्रूफ देता था, रुको जरा, सबर करो, इसके बारे में भी बात करेंगे। एंड जेम्स की वो रोने धोने वाली वीडियो देखने के बाद प्रोनेशन इसके पास आता एंड इसको बोलता है कि जेम्स हम तुमको सेकंड चांस देंगे बट उसके लिए कुछ कंडीशन होंगी। और अब तुम जो है ना, वो स्टार्टिंग में जब मैंने इसका पॉइंट उठाया था वो वाली पॉइंट्स को याद रखना, अब यहां पे वो काम आने वाला है। हां तो भाई लोग, वीडियो में इसका ये कहना था आगे चल के कि एक दलाल यानी कि यहां पे इनडायरेक्टली मेरे को बोला जा रहा है उनकी जल गई। भाई सबसे पहली चीज तो यार, ये बंदे ने जो करा था उसके लिए तो तुमको मैंने सुनाई दिया था इसकी ऑडियो। स्टार्टिंग में मैंने जो तुम लोग को ऑडियो और वीडियो दिखाई थी लाइक जिसमें इसका जो बिहेवियर था हम लोग के अगेंस्ट में वो कैसा बिहेवियर था वो तो तुम लोग ने खुद से ही देख लिया था। और यहाँ पे तुम लोग को पता भी चल गया कि असली दलाल कौन था एंड अब तुम खुद ही समझ गए कि ये बंदा कैसा है। लाइक इस बंदे के लिए मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो भी डाली थी इसका प्रोमो करते हुए कि हाँ भाई अगर तुम लोग को जेम से बात करनी है या फिर हम लोग के किसी भी गिल्ड मेंबर से बात करनी है तो तुम लोग डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हो एंड यहाँ पे इसका बहुत सारा हमने प्रॉफिट भी कराया था। बट इन दी एंड मेरे को क्या मिला? कुछ नहीं, मेरे को इस बंदे ने वापस से धोखा दे दिया। अब अगर तुम समझदार हो गए तो तुमको पता होगा कि अगर जो बंदा इतनी बार धोखा दे सकता है तो अगर तुम इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करोगे तो तुम एक तरफ से चूतिया ही हो। एंड रही बात रिकॉर्डिंग की, तो सबसे पहली चीज झाटू भाई मैं तुमको एक चीज जरूर से बताना चाहूंगा कि जब मैं तुम्हारे डीसी पे आया था प्रोनेशन के डिस्कॉर्ड पे शिवा भाई के साथ, देन वहां पे जो था ना मैंने कोई भी ओल्ड क्लिप्स नहीं दिखाई थी, प्रोनेशन की स्ट्रीम से तुम्हारी क्लिप दिखाई थी जिसमें तुम्हारा पीसी चेक हो रहा था और तुम्हारे पीसी में ये सारी फाइल्स मिली थी। एंड जब हमने इससे पूछा था कि ये सारी फाइल्स तुम्हारे पीसी में आखिर कर क्या रही है, तो इस बंदे का रिप्लाई ये था कि मेरे को स्काईलॉर्ड को प्रूफ देने का था तो मैं ये सारी फाइल्स को अपने हार्ड डिस्क में सेव रखता हूँ। अब गाइज अगर तुम लोग समझदार हो गए तो तुम लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि आखिर चल क्या रहा, और अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं यार, मैं हूं ना, मैं तुम लोग को समझाता हूँ। हाँ तो गाइज अब वो तुम लोग वो वाला स्क्रीनशॉट याद करो जो कि मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में दिखाया था इस पॉइंट पे। तो गाइज सबसे पहला पॉइंट ये था कि तुम लोग के पास सीजन 2 की आईडी होनी चाहिए एंड दूसरा पॉइंट ये था कि तुम गिल्ड में वापस आओगे तो एक न्यू नेम के साथ आओगे और तीसरा पॉइंट ये था कि तुम अपने चैनल पे न्यू वीडियोस डालोगे जो कि तुम पहले जो डालते थे वो तुम नहीं डाल सकते हो और चौथा पॉइंट ये था कि तुम न्यू अकाउंट से आओगे, पांचवा पॉइंट कि तुम पीसी रीसेट करोगे, ये पॉइंट याद रखना पांचवा, सिक्स्थ पॉइंट ये था कि तुम अपने जितने भी ओल्ड फ्रेंड होगे उनको तुमको रिमूव करना पड़ेगा और ये भी तुम याद रखना, सेवन पॉइंट न्यू डायरेक्शन ये भी तुम याद रखना, एट पॉइंट स्टे अवे फ्रॉम हैक्स ये भी तुम याद रखना और नाइन्थ न्यू बिगनिंग। हाँ तो गाइस जैसा कि इसने अपने वीडियो में बोला कि ये जितने भी वो सारी चीजें थी लाइक एम बॉट एम लॉक रेजिडिट एंड जो भी अदर फाइल्स थी वो ये अपने पीसी में इसलिए रखा था ताकि ये स्काईलॉर्ड को दे सके। बट गाइस यहाँ पे जैसा कि हर्ष ने पॉइंट्स दिए थे कि ये पॉइंट्स तुम लोग को फॉलो करने हैं,
पहला तो ये था कि अपने सारे ओल्ड फ्रेंड्स को तुम रिमूव करोगे, क्या इसने किया? नहीं। और दूसरा ये था न्यू डायरेक्शन, क्या ये न्यू डायरेक्शन पे जा रहा था? नहीं, ये सेम वही चीज कर रहा था जो कि इन द पास्ट ये स्कारलेट को प्रूफ देता था और ये अभी भी देने का सोच रहा था। तीसरा पॉइंट, ये हैक से दूर रहेगा, क्या ये हैक से दूर था? क्योंकि इसके पीसी में तुम ये फाइल्स देख ही सकते हो, ये फाइल्स किस टाइप के होंगे तुमको नाम से समझ में आ गया होगा। एंड गाइस, ये बंदा गिरा तो इतना हुआ है ना, मैं तुम लोगों को क्या बताऊं, जिस दिन हमने इसका पीसी चेक करने के लिए गए थे प्रोनेशन के डिस्कॉर्ड पे, शिवा भाई और मैं उनके डीसी गए थे, यानी कि प्रोनेशन के डिस्कॉर्ड सर्वर पे गए थे। एंड लाइक वहां पे जाके हमने सब कुछ बात किया था कि यहां पे सब कुछ शॉर्ट आज ही कर लेते हैं ताकि इन फ्यूचर हम लोग कोई और वीडियो ना डाले और आगे से हम लोगों को रिप्लाई ना करना पड़े। सबसे पहली चीज तो की गाइस, ये जो वहां पे हम लोग ने सब कुछ डिस्कस करा था उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करनी थी, और बट ये बंदे ने रिकॉर्ड करा सब कुछ, लिटरली एक से एक चीज रिकॉर्ड करा, एंड वही चीजें मैनिपुलेट करके कट करके ये सारी चीजें जो है यूट्यूब पे दिखा रहा है। एंड दूसरा की गाइस, ये बंदे ने अभी अपने वीडियो में एक पॉइंट उठाया था कि जब इनको पीसी में कुछ नहीं मिला, तो गाइस यहां पे मैं एक चीज जरूर से बोलना चाहूंगा कि भाई हम तो डीसी पे इसलिए आए थे क्योंकि जिस दिन तुम्हारा पीसी चेक हुआ था, जिस दिन तुम गिल्ड में आए थे, उस दिन तुम ये सारी फाइल्स को एक्सेस क्यों किए थे? अगर तुम लोग यहां पे ध्यान से देखोगे स्क्रीनशॉट को वापस से, तो यहां पे तुम लोग डेट देख सकते हो, और यहां पे तुम लोग एक और डेट देख सकते हो जहां पे प्रोनेशन का गिल्ड टेस्ट हुआ था और उस दिन इसका पीसी भी चेक हुआ था। हम तो उसी पॉइंट के लिए आया था ना कि यार उसी दिन जिस दिन तुम्हारा पीसी चेक होना था उसी दिन तुम ये सारी फाइल्स को एक्सेस क्यों किए थे, मतलब कोई तो रीजन होना चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूं कि तुमको जो था ये सारी फाइल्स जो है यूज करना था स्काईलॉर्ड को देने के लिए, बट जिस दिन तुम्हारा पीसी चेक हो रहा था उस दिन तुम क्यों यूज कर रहे थे भाई? उस दिन स्काईलॉर्ड ने क्या मांग लिया था? एंड ये बंदा जो था, जब हमने इसको बोला कि ये सारी फाइल्स ओपन करके दिखाओ, तो ये बंदे ने साफ मना कर दिया। उसने बोला कि मैं ये सारी फाइल्स ओपन क्यों करूं, मतलब क्या रीजन बनता है भाई? मतलब जिस टाइम पे हमने जब बोल दिया कि कोई रिकॉर्डिंग बाहर नहीं जाएगी, तो भाई उस टाइम पे तुमने रिकॉर्ड करा। एंड सेकेंडली, जब हमने तुमको बोला कि ये सारी फाइल्स दिखाओ, तो तुम दिखाने के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे। एंड तीसरी पॉइंट, भाई इस बंदे ने इस टाइम पे तो यार लिटरली हद पार कर दी। मतलब गाइस पता है तुमको इसने क्या करा? जब इसको हमने बोला था कि ये सारी फाइल्स दिखाओ, ये बंदा जो था वो बहाना दे के जो था बाहर गया हुआ। मतलब इसने बोला कि मैं जरा वॉशरूम होके आता हूँ, एंड उसके बाद जो था ये बंदे ने स्ट्रीम ऑफ कर दिया। मतलब वॉशरूम जा रहे हो तो भाई स्ट्रीम क्यों ऑफ कर रहे हो? पूरा का पूरा पीसी लेके जाते हो क्या वॉशरूम में? एंड उसके कुछ ही देर बाद ये बंदा वापस आ गया, एंड जब हमने इसको स्ट्रीम करवाया, देन हम लोग को पता है क्या देखने को मिला? मतलब भाई जहां पे वो सारी फाइल्स थी, जहां पे सारी की सारी हैक की फाइल्स थी, वो सारी की सारी कहीं और फोल्डर में शिफ्ट कर दी इस बंदे ने। मतलब भाई ये बंदा खुद जो है चोरी कर रहा है, एंड चोरी करने के बाद बोल रहा है कि नहीं भाई मैं तो चोर हुई नहीं। और रही बात शिवा भाई की, तो शिवा भाई ने यहाँ पे खुद से बोला था कि ये जो जेम्स के बारे में उन्होंने पास्ट में बोला था, वो जेम्स ये वाला नहीं था, वो जेम्स बॉन्ड था। एंड उसके भी रिकॉर्डिंग तुम यहाँ पे सुन सकते हो। वो क्या कह रहा है, मेरे पास जेम्स है, वो एक बार स्काईलॉर्ड और कोई काउंटर हुई थी, बाद में सॉल्व हो गई थी, पर मैंने डायलॉग बोला था ठीक है, मेरे पास जेम्स है, जेम्स जो चीज ढूंढने में गॉड है ठीक है, तो मैंने वो बात बोली थी जेम्स बॉन्ड है, जो कि हॉलीवुड मूवी का एक्टर है ठीक है, एक कैरेक्टर है जो डायलॉग बोला था मैंने वो बात ठीक है। और यहाँ तक कि मैंने जेम्स को मैसेज भी किया, जेम्स का मैसेज आता है क्या भाई तुमने ये वीडियो में क्या बोला है मेरे बारे में, ये वो मतलब रो तुम्हारे बारे में नहीं तुम छोड़ो, ऐसे करके मैंने लिख दिया था उसको, समझ में आ गया था ओके ठीक है। वो दिखा रहा है कि सर शिवा भाई ने मेरा यूज किया ये वो, और अभी कह रहा है कि मैंने की करवाया कि भाई तुम्हारे तुम प्रूफ दिखाओगे, तो उसने मेरे कोई क्लिप है ना, मैंने बोला ब्रो जिसको जनता बहाना ही लेगी, क्योंकि बहाना दे रहे तो बहाना। वैसे जे फॉर झाटू या फिर जे फॉर जेम्स भाई, यार तुमने जो मेरा फोटो लीक करा था, एंड लाइक मेरा नंबर लीक करा था, एंड उसके बाद मेरे को जो धमकियां दी थी ना तुमने इनडायरेक्टली चैनल उड़वाने की, क्या मतलब भाई जेम्स भाई या फिर झाटू भाई तुम चाहते हो कि मैं ये सारी चीजें भी पब्लिकली सबको दिखाऊं कि तुम भाई कितने नीच और कितने गिरे हुए इंसान हो? एंड उसके बाद इस बंदे ने बोला कि प्रोनेशन ने यानी कि हर्ष ने इसके लिए एक भी बार कुछ नहीं बोला। भाई तो इसमें उसकी गलती है ही नहीं, ना तो शिवा भाई की गलती है। भाई एक बात बता, अगर तूने गलत करा है, जो चीज उसने तेरे को बोली कि ये सब तेरे को चीजें नहीं करनी है, एंड उसके बावजूद तू वो चीजें कर रहा है, देन उसमें उसकी क्या गलती है भाई? वहां पे तो तू कर रहा है ना, तो तू भरेगा भाई। भाई वो तेरा दोस्त है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो तेरे गलत में भी तेरा साथ देगा। भाई जहां पे तू गलत है वहां पे तो वो तेरे को बोलेगा ही, और ऊपर से उसने पहले से ही बोल रखा था कि ये चीजें नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद तूने ये चीजें करी है भाई। और बाकी बात गाइस, इस बंदे पे और कुछ बोलूंगा नहीं, वरना भाई इसको फालतू का फेम मिल जाएगा। वैसे भी भाई मेरे नाम पे फेम लेना बंद कर दे जेम्स ब्रो, इनडायरेक्टली बोल रहा तब भी इतना फेम आ रहा, सोच नाम लेके बोलेगा तो भाई कितना फेम आएगा, तो ये सब बंद कर दे। एंड इस वीडियो के बाद अगर तूने मेरे को इनडायरेक्टली पोक करा, फिर कोई सी भी वीडियो डाली मेरे खिलाफ, देन इस बार तेरा सीधा डी एंड कर दूंगा। बाकी बात गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही था, मेरे ख्याल से तुम लोग को इतना कुछ बताना काफ़ी था। एंड अगर ये बंदा कुछ आगे बोलता है तो वो बात की बात है, आगे देख लेंगे। एंड बाकी बात, अगर तुम लोग को मेरे से बात करना है, फिर इस मैटर के रिलेटेड और कुछ अपडेट जानना है, तो तुम लोग डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। एंड यहाँ पे तुमको वैनिटी लिंक भी मिल जाएगी जो कि तुम लोग को स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो फटाक से डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लो, एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, एंड बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिलते रहे। मैं मिलता हूँ तुम लोग से कभी और, तब तक के लिए टेक केयर, गुड। Live a bad
now I'm serving a Tesla. Going back, shawty with me, I stepped up.